जमियत उलेमा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मणिपुर व हरियाणा की घटना को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में जमियत उलेमा हिंद पदाधिकारियों ने हरियाणा मणिपुर और ट्रेन हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह देश मोहब्बत से बना है और नफरत इस देश की दुश्मन है। हमें अपना देश जोड़ना है, इसलिए नफरती लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में मेवात सहित अन्य जनपदों में निर्दोष लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, इससे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम मौलाना नजर मोहम्मद। नजर जी, आज किस तरह का ज्ञापन दे गया? जमियत उलेमा हिंद के ये वर्कर से हैं, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जिलाधिकारी महोदय को एक मेमोरेंडम दिया है कि मेवात इस वक्त जल रहा है और कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का काम किया है और वहाँ के हालात जो है बहुत संगीन है। हमारी राष्ट्रपति जी से हमारा मुतालबा ये है कि जो दंगाई है वो कोई भी हो और किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे ही पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और आज़ाद हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 2 औरतों को, 2 महिलाओं को, 2 हमारी बहनों को नंगा करके और उनके बदन के साथ जो है छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन अब तक जो है वहाँ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरा हमने मुतालबा किया है कि अभी 3 दिन पहले एक आतंकवादी ने, जो पुलिस की वर्दी में था, 3 दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को ट्रेन के अंदर मारा और अपने एक सीनियर को मारा। उस आतंकवादी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो वो मुसलमान और एक वो उनके सीनियर मरे हैं उनके घर वालों को जो है कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके वारिसिन को जो है एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। और हम मेवात के लोगों से भी और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि भाईचारे को बनाए रखें। प्यार मोहब्बत में जो मज़ा है वो दुश्मनी और नफरत में नहीं है। कुछ लोग जो है नफरत का जहर फैला रहे हैं, उससे बचें, इसलिए कि जब मुल्क जो है वो प्यार मोहब्बत से चलेगा, और ये मुल्क कोई नया नहीं है, पिछले हज़ारों साल से हिंदू और मुसलमान प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं। अब भी हम गुजारिश करेंगे ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ रहें। नजर साहब, किसको मानते हैं मास्टरमाइंड हरियाणा? देखिए, किसी की धार्मिक यात्रा, चाहे वो किसी भी समुदाय को, इस तरह आगजनी, पत्थरबाजी, गोलाबारी अगर करी जाए? देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर आप हमसे हमारा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि मुसलमान कितना सेकुलर है, अभी मुजफ्फरनगर ज़िले से लाखों कांवड़िए गुजरे, उनका अगर हमारे हिंदू भाइयों ने इस्तकबाल किया है तो मुसलमान भी इस्तकबाल करने में पीछे नहीं रहे हैं। किसी एक कांवड़िए को भी किसी तरह की हमारे ज़िले में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में ही हाँ हुआ है। लेकिन हमारे सामने ये भी जानकारी है कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और वो जुलूस जो है कोई नए रास्ते से नहीं निकल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे ज़िले की शांति को भंग करने के लिए एक जगह पर नारेबाजी की है। हम ये चाहते हैं इस तरह से नारेबाजी करने से किसी इस तरह का वो काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कहीं शांति भंग हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई मोनू मानेसर है और एक कोई बजरंगी है जो कह रहा है कि बिट्टू बजरंगी है जो कह रहा है कि हम ससुराल आ रहे हैं, मालाएं तैयार रखो, बाद में ये कहना हमें खबर नहीं हुई कि तुम्हारे जिज्जा आ रहे हैं। अब इस तरह की जब अगर पोस्ट होगी तो देखिए, जाहिर सी बात है कि ये लोगों को भड़का रहे हैं। और अब भी हम बराबर पोस्ट देख रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि सनातनियों जो है इकट्ठे हो जाओ, हिंदू भाई इकट्ठे हो जाओ। देखिए, ये तो हिंदुस्तान में आग लगाने वाली बात है। जो हुआ है बहुत अफसोसनाक है। उन जिहादियों के लिए जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, हम ये कह रहे हैं जो भी है, जिन समुदाय के भी हैं, हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि उनको जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है, जिन्होंने ये आग जलाई है उनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए।